हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो यूनिट टेस्ट 2 उसके सॉल्यूशंस वो लेके आया हूँ मैं। आइए चालू करते हैं यूनिट टेस्ट 2 के सॉल्यूशन। यूनिट टेस्ट 2 में काइनेमेटिक्स आई थी, 1D प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं, प्लस 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट आया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वो भी उसमें इंक्लूडेड था। अगर आपने अभी तक पेपर सॉल्व नहीं किया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों पेपर का लिंक है, उसको देख लें, आंसर की से मैच कर लें, एक घंटे में 45 क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो दिया हुआ है काइनेमेटिक्स का ही है और ये 1D का क्वेश्चन लग रहा है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बच्चों पार्टिकल रेस्ट से चालू होता है। रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड उसकी 0 है और कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन दिया हुआ है 4 m/s² का। तो इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सीलरेशन 4 दिया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड। बच्चों 4 सेकेंड का मतलब होता है 0 to 4। 4 सेकेंड का मतलब 4 सेकेंड में कितना चला, 0 to 4 सेकेंड, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, तो 4th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये अपने को पूछा गया है। ठीक है बच्चों, 4th सेकेंड का मतलब क्या होता है, 4th सेकेंड का मतलब होता है 3 से 4 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, 4th सेकेंड मतलब 3 से 4 सेकेंड के बीच, 10th सेकेंड का मतलब 9 से 10 सेकेंड के बीच का जो टाइम है उसको 10th सेकेंड बोलते हैं, ना। तो ये कुछ बेसिक सी टर्म्स थी, वो पता होनी चाहिए। फिर फॉर्मूले है बच्चों, एक इक्वेशन होती थी s = ut + 1/2 at², ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें तुम t की वैल्यू 4 डालोगे तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, 0 से 4 का। एक और इक्वेशन होती थी u + a/2 × 2t − 1, इसमें तुम t की वैल्यू 4 डालोगे तो 4th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों फॉर्मूले याद होंगे तो आंसर आ जाएगा। u की वैल्यू 0 है इसलिए ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी बच्चों, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। इधर भी a/2 और a/2 ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा t² / 2t − 1। t की वैल्यू 4 डालोगे तो 4² / 2 × 4 − 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 16/7 आ जाएगा, 2 × 4 = 8, 8 − 1 = 7। तो फर्स्ट का बच्चों थर्ड आंसर आ जाएगा 16:7। ठीक है, फर्स्ट का आंसर थर्ड आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन में VA दिया हुआ है, VB दिया हुआ है, चारों ऑप्शंस चेक करने हैं अपने को कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है VAB। बच्चों VAB का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B। तो VAB मतलब VA − VB, VA की वैल्यू दी हुई है तुम्हें 10i + 10j, माइनस VB की वैल्यू कितनी दी गई है 10i − 10j। बच्चों अब इस माइनस को अगर तुम अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 10i से 10i कैंसिल हो जाएगा, ये 20j आ जाएगा। तो VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, वो आ गई 20j के बराबर। ठीक है, तो 20j के बराबर मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। बच्चों VBA क्या होता है, VBA क्या होता है, −VAB होता है। इसका मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो −20j आ जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बच्चों VAB का भी मैग्नीट्यूड 20 ही है, VBA का मैग्नीट्यूड भी 20 है, दोनों का मैग्नीट्यूड 20 है। VAB की डायरेक्शन j थी, VBA की डायरेक्शन −j हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, कितना है 20 है। ठीक है, तो मतलब थर्ड ऑप्शन भी सही होगा, तो सारी ऑप्शन सही हो गए, इसलिए सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4th हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 4th आ जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 5 m/s। तो यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। ठीक है, कितनी हाइट से, 19.6 m की ऊंचाई से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है 5 m/s से। बच्चों कितनी देर में ये नीचे गिरेगा, ये तो फॉर्मूला होता है √2h/g। फॉर्मूले याद कर लेना, छोटे छोटे डेरिवेशन भी हैं, बट डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लेना इसमें। ठीक है, और डेरिवेशन की अगर बात करें तो y डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी है नहीं इनिशियली, तो u y की वैल्यू 0 है,
इसलिए तुम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, वही लिखा हुआ है, एस की जगह एच लिखा हुआ है, ये टू नीचे आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। तो वो डेरिवेशन भी है, बाकी अभी तो आप फॉर्मूलेज में वैल्यू डाल दो, टू इंटू एच की वैल्यू 19.6 और जी की वैल्यू 9.8। बचो 9.8 इसे टू बार कैंसिल करेगा और रूट फोर मतलब टाइम आ जाएगा 2 सेकंड के बराबर। तो थर्ड क्वेश्चन में 2 सेकंड मतलब फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन ये थर्ड क्वेश्चन में ही बोला गया रेंज। बच्चों रेंज होती है एक्स वेलोसिटी इनटू टी। रेंज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज मतलब पार्टिकल कितने आगे गिरेगा। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन तो होता नहीं है क्योंकि ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल स्पीड है, केवल स्पीड वाला पार्टिकल यू टी चलता है, यू इंटू टी उससे आंसर आ जाएगा। यू कितना था 5, टी की वैल्यू कितनी थी 2, यानी रेंज कितनी आ जाएगी बच्चों, रेंज आ जाएगी 10 मीटर के बराबर। 10 मीटर मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ का सेकेंड आंसर आ जाएगा बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूँ मैं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना चीजें और क्वेश्चंस सारे देख लेना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए आपको। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, 1D और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनका ये पेपर है, तो अच्छे से आप चैप्टर्स पढ़ने के बाद ये पेपर दें जिससे कि अपने को सारी चीज़ें अच्छे से आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं अपन। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है इसमें बोला हुआ है फॉर अ प्रोजेक्शन, कोई एक प्रोजेक्शन है जिसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 प्लस थीटा और 45 डिग्री माइनस थीटा है। बच्चों याद रखना है अपने को कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस का सम, इन दोनों का एडिशन क्या 90 डिग्री है, अगर एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री है तो बच्चों रेंज इन पार्टिकल्स की सेम होगी, लेकिन इनकी इनिशियल स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कुछ बोला नहीं हुआ है तो हम इनिशियल स्पीड दोनों पार्टिकल्स की सेम मान लेते हैं, और दो बार फेंका गया है, वैसे इसमें लिखा हुआ है फॉर अ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल है तो उस एक प्रोजेक्टाइल को पहले एंगल 45 प्लस थीटा पर फेंका है, फिर 45 माइनस थीटा पर फेंका है, इसलिए इनके एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री है, इसलिए आपको इसकी रेंज सेम माननी पड़ेगी। तो रेंज का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों, अगर रेंज सेम मानोगे तो रेंज का रेशियो आ जाएगा 1:1 के बराबर। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर फर्स्ट आ जाएगा बच्चों। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं अपन बच्चों। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस बी टी, ए साइन टी दिया हुआ है और वाई की वैल्यू दी हुई है बी कॉस टी। बच्चों एक्स और वाई की इक्वेशन दी हुई है, पाथ की इक्वेशन चाहिए। बच्चों याद कीजिए कि पाथ की इक्वेशन होती है x एंड y की इक्वेशन जिसमें टाइम t नहीं आता है। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज इक्वेशन ऑफ पाथ, तो आप बोलेंगे वो इक्वेशन जो x और y या z की टर्म्स में होगी, है ना, जिसमें कोऑर्डिनेट्स आएंगे x y z, लेकिन टाइम t नहीं आएगा। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, वो पाथ की इक्वेशन ही है, y=mx+c, उसमें y और x आएगा लेकिन टाइम t नहीं आएगा, है ना। सर्कल की इक्वेशन x2 + y2 = r2, पैराबोला की इक्वेशन y2 = x, तो पाथ की इक्वेशन मतलब एक्स और वाई की वो इक्वेशन जिसमें बच्चों टाइम टी नहीं आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पाथ की इक्वेशन। तो यहाँ पे टाइम टी तुम्हें हटाना है। टाइम टी कैसे हटाओगे बच्चों, सिक्स क्लास की मैडम को याद करो और उनकी यादों से बाहर आओ, और उन्होंने कुछ सिखाया था तुम्हें। क्या सिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये सिखाया था। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1, बताओ साइन टी की वैल्यू यहाँ से एक्स बाई ए आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख लेना क्योंकि साइन स्क्वायर है। ऐसे कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बच्चों ये किसकी इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है, दीर्घवृत्त।
है ना, ये इलिप्स की इक्वेशन है, अगर ए और बी सेम हो जाते तो सर्कल बन जाता, तो ये इक्वेशन इलिप्स की आ जाएगी। और तुम्हें तो पाथ की इक्वेशन ही पूछी थी, तो थर्ड आंसर आ जाएगा, है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा बच्चों, इलिप्स की इक्वेशन है ये, ठीक है। जब भी पाथ की इक्वेशन पूछे टाइम टी हटा देना, टाइम टी हटा दिया है तो ये इस तरीके से टाइम टी हटा दिया अपन ने। चलो आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का ही क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ है, कुछ हाइट दी हुई है बच्चों, 20 मीटर की हाइट है। इस 20 मीटर की हाइट पे 10 मीटर पर सेकेंड से किसी पार्टिकल को फेंका है, और एक सेकेंड बाद, अब बताओ ये पार्टिकल ऐसे जाएगा तो 2D मोशन बच्चों एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में होता है। बताओ इस एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन तो था नहीं तो स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी कि एक्स डायरेक्शन की स्पीड तो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी बच्चों। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू जी थी, तो क्या वाई डायरेक्शन में वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन लगाते अगर अपन, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड जीरो थी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में पार्टिकल की इनिशियल स्पीड जीरो है, पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है। तो बच्चों एक सेकंड बाद y डायरेक्शन की स्पीड आनी चाहिए कितनी, gt, v equals to u plus at लगा दिया अपन ने, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब हम क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते थे y डायरेक्शन में, तो v की वैल्यू gt आ जाएगी, g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 1, बच्चों y डायरेक्शन में भी स्पीड कितनी आ गई 10, तो एक सेकंड बाद x डायरेक्शन में स्पीड 10 होगी, y डायरेक्शन में स्पीड 10 होगी, तो वेलोसिटी 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप लिखनी चाहिए अपने को एक सेकंड बाद। अपने से स्पीड पूछी है, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकंड, रूट टू होता है 1.414, तो मल्टीप्लाई करने पर फोर्थ आंसर आ जाएगा, सेवंथ क्वेश्चन का आंसर फोर्थ आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 14.14 मीटर पर सेकेंड, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस को देखना पड़ेगा। चलिए एट्थ क्वेश्चन में भी आपसे वेलोसिटी ही पूछी है, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, अब पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा तब भी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी बच्चों, वाई डायरेक्शन का टाइम निकाल सकते थे तुम, बताओ मेरे को ग्राउंड पे टकराने का टाइम, अभी क्वेश्चन भी आया था एक, उसमें भी टाइम बताया था, है ना, इससे पहले भी एक कोई क्वेश्चन आया था टाइम निकालने का, थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में जैसे टाइम निकाला था वैसे ही टाइम का फॉर्मूला √2h/g, टाइम का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g, 2 h की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10 ले ली बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो गया, टाइम आया है √4, √4 का मतलब 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड बाद पार्टिकल कहाँ गिर जाएगा, ग्राउंड पर गिर जाएगा, 2 सेकंड बाद पार्टिकल कहाँ पर गिर जाएगा, ग्राउंड पर गिर जाएगा, तो बताओ मेरे को कि 2 सेकंड बाद अगर पार्टिकल ग्राउंड पे गिरेगा तो ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल स्पीड तो 10 ही रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन एक्ट ही नहीं कर रहा है, ग्रेविटी तो नीचे एक्ट करती है, लेकिन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी जी टी के बराबर, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जी टी होगी, लेकिन ग्राउंड पे 2 सेकंड बाद टकराएगा वो, तो 2 सेकंड बाद टकराएगा तो 10√2 यानी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी नीचे 20 हो जाएगी, हॉरिजॉन्टली 10 हो जाएगी, तो फिर वेलोसिटी कितनी बोल सकते थे, 10i cap - 20j cap, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी हॉरिजॉन्टली, कितनी आ जाएगी वेलोसिटी 10i cap में, और नीचे की तरफ कितनी आ जाएगी बच्चों 20 है, वो भी किस डायरेक्शन में, -j cap में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 10i - 20j, थर्ड आंसर आ जाएगा, एट्थ क्वेश्चन का आंसर थर्ड आ जाएगा बच्चों, ठीक है, फॉर्मूले लगाने सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएंगे। चलिए इसको हटा देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे फिर अपन, तो ये सेवंथ और ये एट्थ क्वेश्चन था बच्चों, ये एट्थ क्वेश्चन था, है ना, एट्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये एट्थ क्वेश्चन था जिसका अपन ने ये सॉल्यूशन शो किया हुआ था। चलिए एट्थ क्वेश्चन के आगे आते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन पे, बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन मैक्सिमम एरिया, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है बच्चों इस पॉइंट से ना बुलेट फायर की हमने,
आपको मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला याद है क्या? रेंज कितनी होती थी? रेंज होती थी बच्चों यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला है बच्चों। मैक्सिमम रेंज कब होगी? जब इस साइन की वैल्यू वन हो जाएगी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन हो जाएगी। तो बच्चों मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाय जी। अब बताओ अगर तुम यहां से पत्थर को फेंक रहे हो तो मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है यू स्क्वायर बाय जी। अब तुम सारी डायरेक्शन में पत्थर को फेंकोगे तो सारी की सारी डायरेक्शंस में ये पत्थर कितनी डिस्टेंस तक जा सकता है? ये आर मैक्सिमम तक ही तो जाएगा, तो ऐसा एक सर्कल बन जाएगा बेसिकली, समझ रहे हो आप? आपने पत्थर को फेंका और वो कितनी दूरी तक फेंक सकते हो आप? यू स्क्वायर बाय जी तक फेंक सकते हो। तो सारी डायरेक्शन में कितनी दूरी तक फेंक सकता हूं मैं? यू स्क्वायर बाय जी तक फेंक सकता हूं। तो जितना भी मैं पत्थर फेंकूंगा सारे पत्थर मैक्सिमम यही तक जा सकते हैं, और धीरे फेंकूंगा तो इसके अंदर रह जाएंगे। तो यही वो एरिया है जो पूछा गया है। ये एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई इंटू यू की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर, पाई यू की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। तो फोर्थ आंसर आ जाएगा, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर फोर्थ आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना? ये ऑप्शन दिया होगा तो नाइन्थ क्वेश्चन का फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक सवाल है, क्वेश्चंस रिवाइज कर लीजिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, कैसे इनको सॉल्व करने हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ और नाइन्थ क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं अपन बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करना है अपने को, टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं अपन। टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम सेम पॉइंट विद सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री 30 डिग्री। बच्चों एक ही पॉइंट से दो प्रोजेक्टाइल्स को फेंका गया है, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है 30 डिग्री पर, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है 60 डिग्री पर। एक को 30 डिग्री पर फेंका गया है, एक को 60 डिग्री पर फेंका गया है। तो अपने को चीज़ें बतानी है। अब अभी एक सवाल पहले भी आया था, उसमें मैंने बताया था, देखो दोनों की स्पीड सेम दे रखी है, क्या दोनों के एंगल्स का सम 30 डिग्री 60 डिग्री, क्या दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्री है? दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्री है, यानी दोनों की रेंज क्या होने वाली है बच्चों? सेम होने वाली है। हाइट वेट भी निकाल सकते हैं। अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन पता ही होनी चाहिए। अब पूछा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, देयर हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है बच्चों। और अपने तो सिंगल चॉइस ही आते हैं, तो टेंथ का तो फर्स्ट ही आंसर आ गया, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑल ऑफ दीज दिया नहीं हुआ है, समझ रहे हो? एग्जाम में सारे ऑप्शन पढ़ना, जैसे बायो में सारे ऑप्शंस पढ़ना, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि पहला ही मोस्ट करेक्ट है, लेकिन उसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ज्यादा सही निकल जाते हैं। लेकिन फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल है, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दिख नहीं रहा है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, रेंज सेम है, क्योंकि दोनों एक का एंगल 30 डिग्री एक का 60 डिग्री है, तो क्या इनका एडिशन 90 डिग्री है? इसका मतलब रेंज इनकी सेम होगी क्योंकि इनिशियल स्पीड भी सेम है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा टेंथ का। चलिए आगे चलिए, इलेवेंथ क्वेश्चन में आइए। इलेवेंथ क्वेश्चन में बोला है स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। बच्चों स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, मान लिया हमने प्रोजेक्टाइल को यू से फेंका है और हाईएस्ट पॉइंट पे, बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की स्पीड होती है बच्चों यू कॉस थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी नहीं रहेगी, पार्टिकल और ऊपर नहीं जा सकता है, आगे जा सकता है, उसी को हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इनिशियल की हाफ है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इनिशियल की हाफ है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? यू कॉस थीटा, और वो इनिशियल वेलोसिटी यू की हाफ है, तो यू से यू कैंसिल हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, मतलब 11th का फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, 11th क्वेश्चन का आंसर फोर्थ आ जाएगा। चलिए फिर बच्चों 12th क्वेश्चन पे आते हैं अपन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इसको हटा देता हूं मैं। तो क्वेश्चन में बोल रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड 30 डिग्री 60 डिग्री विद टाइम एक्सिस रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन। बच्चों 12th क्वेश्चन में ये v और t का ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और ये a और b पार्टिकल मान लेते हैं अपन, एक a पार्टिकल है और एक कौन सा पार्टिकल है? b पार्टिकल है। तो एक a पार्टिकल है, एक b पार्टिकल है।
एंगल ए ने 30 डिग्री बनाया, अच्छा ए ने 30 डिग्री बनाया है तो नाम ऐसे ऐसे देना पड़ेगा, इसको ए नाम देना पड़ेगा बच्चों, इसको बी नाम देना पड़ेगा। ए ने 30 डिग्री एंगल बनाया है और बी ने कितना डिग्री एंगल बनाया है, 60 डिग्री। ए ने 30 डिग्री एंगल बनाया, बी ने कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री। एक्सेलरेशन, बच्चों एक्सेलरेशन होता है डीवी बाय डीटी, एक्सेलरेशन होता है डीवी बाय डीटी, डीवी बाय डीटी मतलब स्लोप, डीवी बाय डीटी स्लोप होता है। तो और स्लोप टेन थीटा होता है, स्लोप कितना होता है, टेन थीटा होता है। तो एक्सेलरेशन ए अपॉन एक्सेलरेशन बी, बताओ ए का एक्सेलरेशन मतलब टेन 30 डिग्री और बी का एक्सेलरेशन मतलब टेन 60 डिग्री, ठीक है। टेन 30 डिग्री 1 बाय रूट 3 और टेन 60 डिग्री रूट 3, आंसर 1 बाय 3 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ट्वेल्थ का आंसर सेकंड आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, सॉल्व कर लेना इन्हें। आइए 13th क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन किसमें है ये बताना है बच्चों 13th क्वेश्चन में, इसको हटा देता हूं मैं। तो 13th क्वेश्चन में अपने को बताना है जीरो एक्सेलरेशन किस ग्राफ का होगा। बच्चों एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो means velocity constant, velocity constant। अब याद रखना velocity constant होने का मतलब velocity zero नहीं होता है, constant मतलब कुछ velocity होनी तो चाहिए, particle चलना तो चाहिए। तो बच्चों इसमें second option ये दिया हुआ है, यही displacement ही है। तो इस graph का slope आपको velocity देगा बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्या स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप टेन थीटा होता है तो इसका कुछ एंगल कांस्टेंट ही होगा, इसलिए सेकंड वाले ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना है, जीरो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसमें फर्स्ट ऑप्शन अगर देखते तो फर्स्ट ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट ही कांस्टेंट है ना, फर्स्ट ऑप्शन में पार्टिकल चल ही नहीं रहा है, एस हमेशा सेम है तो पार्टिकल रेस्ट में है, पार्टिकल रेस्ट में है मतलब वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट का मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए तब एक्सेलरेशन जीरो मानेंगे अपन, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट आंसर सेकेंड आएगा, फर्स्ट नहीं, क्योंकि फर्स्ट में पार्टिकल रेस्ट में है, वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए बच्चों, वेलोसिटी नॉन जीरो कांस्टेंट होनी चाहिए, तब एक्सेलरेशन जीरो पूछा जा सकता है, आंसर आएगा। इसमें तो सभी चीज जीरो है, क्वेश्चन ही नहीं है, पार्टिकल तुम पड़े हो घर पे सो रहे हो तो बस, इसमें सब चीजें जीरो है, वो कुछ ग्राफ राफ का मतलब नहीं है वहां पे, ठीक है। तो सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 14 क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। 14 क्वेश्चन में रेस्ट से इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, स्पीड निकालनी है बच्चों। तो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है ए और टी का ग्राफ दिया हुआ है, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये 2 सेकेंड। बच्चों याद करना है एरिया ऑफ ए टी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया बच्चों वो चेंज इन स्पीड देता है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स याद होने चाहिए। कैसे याद होते हैं ये सब पॉइंट्स, अगर थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूं मैं तो ऐसे एक्स का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, पोजीशन एक्स मतलब पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन को स्लोप भी बोल सकते हो, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन एक्स, इंटीग्रेशन को एरिया भी बोल सकते हो। तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन या एरिया चेंज इन वेलोसिटी आएगा, इसका एरिया कितना निकाल सकते थे बच्चों, एरिया हाफ बेस टू हाइट 10, हाफ बेस इनटू हाइट, वो वी माइनस यू आ जाएगा बच्चों, पार्टिकल रेस्ट से चालू कर रहा है इसलिए वी की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो वी की वैल्यू 10 आ जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन 14th का आंसर फर्स्ट आ जाएगा बच्चों, 14th का आंसर फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये अपने पास
14th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको हटा देता हूं मैं, और इसको हटाने के बाद 15th क्वेश्चन उस पे चलते हैं अपन। तो 15th क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं, 15th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ बोट कवर्स सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू स्पॉट्स ऑन अ रिवर टेकिंग T1 टाइम गोइंग डाउन स्ट्रीम। तो 15th क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम का मतलब नदी की दिशा में, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डाउन स्ट्रीम मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। बच्चों जब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो जाओगे तो पार्टिकल या मैन की स्पीड और रिवर की स्पीड ऐड हो जाएगी, और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पहला स्टेटमेंट आ गया। वापस आने में T2 टाइम लगा। वापस आने में अप स्ट्रीम अगर आओगे तो बच्चों स्पीड Vm माइनस Vr होती है, वो डी अपॉन T2 दिया हुआ है। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट टू द फ्लो, है ना, पानी नीचे ही गिरता है ऐसे गिराने पे। तो डाउन स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, फ्लो के साथ जाओगे, नदी मदद करेगी आपकी, आपकी स्पीड प्लस रिवर की स्पीड। अगर आपको नदी के अपोजिट तैरना है तो नदी से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए आपकी, Vm माइनस Vr, ठीक है, और डी अपॉन T2। इसके बाद अपने को निकालना क्या है, वॉट विल द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसको कितना टाइम लगेगा, चलिए ये बताइए मेरे को, स्टिल वाटर में केवल मैन या बोट की ही स्पीड रहती तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम लगता कितना स्टिल में, स्टिल वाटर में टाइम लगता डी अपॉन Vm। Vm मतलब मैन की स्पीड, बोट की स्पीड, जो भी दिया हो क्वेश्चन में। तो टाइम आ जाएगा डी बाई Vm। डी बाई Vm निकालना है, यही आंसर है। स्टिल वाटर में केवल उतनी दूरी जाने जाने में, केवल समय, जाकर वापस आने में नहीं, केवल जाने जाने का समय आपसे पूछा हुआ है। तो डी बाई Vm की वैल्यू चाहिए। बच्चों इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल देते, इसको आप सेकंड इक्वेशन बोल देते, इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो Vr से Vr कैंसिल हो जाएगा, 2Vm की वैल्यू आ जाएगी डी बाई T1 प्लस डी बाई T2। इनको ऐड कर दिया, Vm Vm 2Vm, ये डी बाई T1 प्लस डी बाई T2। बच्चों यहां से तुम डी बाई Vm निकाल सकते हो, देखो 2Vm की वैल्यू, डी कॉमन ले लेना, डी कॉमन लेके यहां पे डिवीजन बचेगा T1 T2 ऊपर T1 प्लस T2, ठीक है, 2Vm, और डी कॉमन लेने के बाद T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो बच्चों डी बाई Vm की वैल्यू निकाल लो यहां से, डी अपॉन Vm, तो ये Vm नीचे आ जाएगा, ये इधर आके 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, यही आंसर है स्टिल वाटर में, डी बाई Vm 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, थर्ड ऑप्शन। 15th क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, थर्ड आ जाएगा। 15th क्वेश्चन का सही आंसर थर्ड आ जाएगा। चलिए 15th क्वेश्चन हो गया है, आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। ग्राफ का क्वेश्चन है, इसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको, ए और टी का ग्राफ आपको दिया गया है, ए और टी का ग्राफ। चलिए ये ए और टी का ग्राफ दिया हुआ है आपको, अपने को वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, वी और टी का ग्राफ ये अपने को बनाना है, वी और टी का ग्राफ। बताओ वी और टी का ग्राफ, अब यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, या तो मैथ्स लगा दो आप, ए की वैल्यू होती है बच्चों डीवी अपॉन डीटी, तो डीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डीटी के बराबर। इंटीग्रेशन करोगे तो वी की वैल्यू एटी आ जाएगी, वी की वैल्यू एटी मतलब स्ट्रेट लाइन आ गया। तो यहां तक का ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो है नहीं बच्चों। इसके बाद एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी बच्चों। फिर ये वही बात हो गई, फिर यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी फिर बढ़ेगी, है ना, वही सेम इंटीग्रेशन करते। तो ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा जो थर्ड, 16th का आंसर थर्ड आ जाएगा। पॉइंट्स देख लेना, क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना कि क्या क्या क्वेश्चंस है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यही इसका 16th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए
16th क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17th क्वेश्चन वो देखते हैं कि पेयर्स जिनके लिए रेंज सेम होगी। बच्चों ये एक दो बार आ चुका है पहले भी क्वेश्चन, रेंज सेम तब होती है बच्चों जब एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो एंगल का सम 90 डिग्री सभी ऑप्शंस में है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, सारे ऑप्शन, पहला ऑप्शन में भी 75 प्लस 15 भी 90 होता है, 32 प्लस 58 भी 90 होता है, 60 प्लस 30 भी 90 होता है, इसलिए रेंज सभी की क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। फिर 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन इसमें बोल रखा है 15 डिग्री पर रेंज 1.5 है। बच्चों रेंज का फॉर्मूला बोलिए, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, रेंज है 1.5, यू स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी हुई है, थीटा 15 डिग्री है तो 2 थीटा 30 हो जाएगा, साइन 30 अपॉन जी। बच्चों ये 1.5 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती तो यू स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू 1.5 आती और u स्क्वायर बाय g की वैल्यू 3 आ जाती। अभी फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा है कि 15 डिग्री पर रेंज कितनी है 1.5, तो u स्क्वायर बाय g की वैल्यू 3 आ गई है। बच्चों 45 डिग्री पर रेंज पूछ रही है, रेंज का फिर फॉर्मूला लगाने का, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ये रेंज का फॉर्मूला है। 45 डिग्री पर u स्क्वायर अपॉन g और थीटा 45 डिग्री, बताओ 2 into 45 sin 91 हो जाएगा, तो रेंज 45 डिग्री पर यही है u स्क्वायर बाय g, u स्क्वायर बाय g की वैल्यू तो 3 है बच्चों, तो 3 मीटर्स ही इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ 18th क्वेश्चन का आंसर फोर्थ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 18th क्वेश्चन का आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चंस देख लें और सॉल्व कर लेंगे क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है, तो 18th क्वेश्चन का ही आंसर आ जाएगा। 19th क्वेश्चन की बारी आती है बच्चों, 19th क्वेश्चन बोला है ए एंड बी आर थ्रोन एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा सेम पॉइंट विद सेम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि दो पार्टिकल्स को फेंकते हैं, एक को एंगल थीटा पे और एक को एंगल 90 माइनस थीटा पे, दोनों की स्पीड कितनी दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों की सेम स्पीड है और एंगल एक का थीटा एक का 90 माइनस थीटा, इफ सेकेंड बॉल रीचेज 50 मीटर हायर देन फर्स्ट देन देयर इंडिविजुअल मैक्सिमम हाइट, इनकी मैक्सिमम हाइट बतानी है बच्चों अपने को, और सेकेंड बॉल रीचेज 50 मीटर हायर तो सेकेंड की हाइट माइनस फर्स्ट की हाइट वो 50 मीटर दे रखी है आपको, सेकेंड की हाइट माइनस पहले की हाइट। बच्चों ये बताओ सेकेंड मतलब 90 माइनस थीटा वाला, तो फॉर्मूला लगा दो हाइट का, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा एक पार्टिकल के लिए और दूसरे की मैक्सिमम, अच्छा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे वाले की हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका एंगल थीटा ही है अपॉन 2g, इसकी वैल्यू बच्चों आपको 50 दे रखी है। ठीक है, तो इसको अपन और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, इसके आगे यहाँ से यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g ये तो कॉन्स्टेंट आ गया, साइन 90 माइनस थीटा बच्चों कितना आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये ब्रैकेट में दिखेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 50 दे रखी है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बच्चों 50 दे रखी है। चलो इसमें वैल्यूज, यू स्क्वायर की वैल्यू, यू की वैल्यू 40 है तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2g की वैल्यू बच्चों 20 हो जाएगी। अभी कॉस स्क्वायर को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते थे, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर जगह है नहीं, चलो इधर सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हटा देते हैं, मतलब वहां से थीटा की वैल्यू निकालने वाला हूं मैं, थीटा की वैल्यू आ जाएगी ना, तो इंडिविजुअल हाइट्स भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो वापस से इसके आगे सॉल्व कर देते हैं अपन, इसके आगे क्या है बताओ, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर की वैल्यू 40 का स्क्वायर, 2 और g की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 है, और cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख देना और एक sin स्क्वायर वहां पे पहले से था, इसकी वैल्यू 50 दे रखी है आपको, cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर और sin स्क्वायर का sin स्क्वायर है ही,
बच्चों बस इसको सॉल्व कर लो आप, ये 40 × 40 लिखा हुआ है या 20 लिखा हुआ है, 1 − 2 sin² θ इक्वल्स टू 50। बच्चों एक जीरो से एक ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक 20 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 − 2 sin² θ की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 × 4 = 8 हो जाएगा, तो ये 5/8 आ रहा है, है ना। तो ये यहां से 2 sin² θ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 − 5/8। देखिए 2 sin² θ इधर आ गया, ये कितना आ जाएगा, 3/8। बच्चों इस 2 को अगर नीचे ले जाओगे तो sin² θ की वैल्यू 3/16 आ जाएगी, sin² θ की वैल्यू 3/16 आ जाएगी, या फिर sin θ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 3/16 का रूट निकालोगे तो √3/4। sin θ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/4 आ जाएगी sin θ का। बच्चों अब यहां से तुम मतलब ट्राइंगल भी बना सकते थे, वरना डायरेक्टली हाइट देखो, पहले वाले की हाइट कितनी होती, H1 का फॉर्मूला था u² sin² θ/2g, H1 निकाल लो, और दूसरे की हाइट तो उससे 50 ज्यादा ही होगी, तो ये u² sin² θ/2g। बताओ u² की वैल्यू 40 का स्क्वायर, 2g की वैल्यू 20, sin² θ की वैल्यू 3/16। बच्चों कितना आ रहा है, 40 का स्क्वायर 40 × 40 / 20 × 3/16। बताओ 20 को इससे कैंसिल करोगे, 2 बार कैंसिल हो गया, तो ऊपर 80 × 3/16, 16 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 5 × 3 = 15 meter आ गया। तो एक की हाइट 15 मीटर है, अगर H1 की वैल्यू 15 है, 15 को उधर ले जाओगे तो 65 हो जाएगा, तो H1 15 मीटर और H2 आ जाएगा 65 मीटर। 15 और 65 मीटर, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, फर्स्ट 19th का ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली, हाइट का डिफरेंस दिया हुआ है आपको, तो हाइट का डिफरेंस दिया हुआ है इसलिए आप इसमें वैल्यूज वो ठीक तरीके से सॉल्व करो और यही आंसर आ जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं अपन, 19th क्वेश्चन इसको हटा देता हूं मैं और 20th क्वेश्चन उसकी तरफ बढ़ते हैं अपन। तो बढ़िया सवाल था ये, इसमें चीजें सब दी हुई थी बट सॉल्व करना पड़ेगा, थीटा एंगल निकालना पड़ेगा, उसी के बाद आंसर आ पाएगा बच्चों। चलिए 20th क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 20 क्वेश्चन ने बोला है, पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 to 20 व्हाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 135 meter इन टी सेकेंड। बच्चों क्वेश्चन ने बोल रखा है कि पार्टिकल की स्पीड पहले 10 थी, फिर पार्टिकल की स्पीड 20 हो गई, और ऐसा करने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 135 meter, टाइम लगा है टी सेकेंड। बच्चों मैं इसका डेरिवेशन भी बता देता हूँ, देखो एक फर्स्ट इक्वेशन याद है क्या आपको, v − u = 80, v = u + 80। एक थर्ड इक्वेशन याद है क्या, v² − u² = 2as। वैसे तो ये क्वेश्चन एक ही लाइन में हो जाएगा, मैं तो डेरिवेशन बता रहा हूँ इसलिए। बच्चों ये थर्ड इक्वेशन है, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, a² − b² को a − b a + b, तो a − b a + b आ गया। ये v − u को तुम 80 लिख सकते थे, v − u को 80, v + u 2as। बच्चों a से a कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आप देखिए s की वैल्यू वो आ जाएगी v + u t/2। s की वैल्यू v + u t/2, ये फॉर्मूला डायरेक्टली अगर याद हो आपको, जो याद होना भी चाहिए, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं इसे अपन, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस आपको 135 दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 10, 2 और टाइम t की वैल्यू पूछ रही है। बच्चों 30/2 कितना हो जाएगा, 15, t की वैल्यू आ जाएगी 135/15, जो कितना होता है 9 होता है, यानी कि आंसर आ जाएगा सेकंड, 20 आंसर आ जाएगा सेकंड। बच्चों चलिए 20 के बाद आया क्वेश्चन 21। 21 क्वेश्चन में क्या है बच्चों,
पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ हाइट, आफ्टर व्हाट टाइम वेलोसिटी मेक्स 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। बच्चों ये किसी हाइट से पार्टिकल को फेंका गया है 40 मीटर पर सेकेंड से, किसी हाइट से 40 से फेंक दिया है। ये बताओ मेरे को कि हॉरिजॉन्टल स्पीड तो बच्चों हमेशा 40 ही रहेगी, ठीक है। वर्टिकल स्पीड पहले भी मैंने क्वेश्चन बताया है आपको इसी पैटर्न का, 7th-8th क्वेश्चन देख लेना। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीडी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चों इनिशियल वेलोसिटी तो थी नहीं, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट था। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी इक्वल टू यू प्लस एटी से आपको ये वेलोसिटी मिल जाती। बच्चों बताइए नेट वेलोसिटी टेंजेंशियल होती जिसका ये एंगल थीटा होता, टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई की वेलोसिटी और एक्स की वेलोसिटी, लेकिन क्वेश्चन ने एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है तो टेन 45 लिख लेना। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीटी है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 40 है, टेन 45 1 हो जाएगा तो जीटी की वैल्यू 40 हो जाएगी, 0 से ये जी कैंसिल हो जाएगा, 4 सेकंड बाद ऐसा होगा 21 का आंसर 4th आ जाएगा। बच्चों 4 सेकंड बाद कितना एंगल बन रहा होगा, 45 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 21 का आंसर आ जाएगा। चलिए 21 को खत्म करते हैं अपन और नेक्स्ट 22 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 22 क्वेश्चन वो क्या है बच्चों, 22 क्वेश्चन, पार्टिकल इज थ्रोन विद स्पीड यू मेकिंग एन एंगल थीटा। बच्चों क्वेश्चन ने बोल रखा है कि पार्टिकल को फेंका गया है कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे फेंका गया है। इट क्रॉसेस टू पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट। बच्चों ये हाइट भी एच मान लो और ये हाइट भी एच मान लो, ये 1 सेकेंड और 3 सेकेंड बाद सेम हाइट पर पहुंचती है, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड बाद सेम हाइट पर है ये। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये पूछा है। बच्चों ये अगर प्रॉपर्टीज याद है तो ओरली होने वाले सवाल है सारे। ये 1 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है ना, पार्टिकल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, इसलिए इस टाइम को 2 सेकेंड होना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में पार्टिकल जितना ऊपर गया होगा 1 सेकेंड में उतना ही पार्टिकल नीचे भी आ गया होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, तो इसलिए इसको 2 सेकेंड ही होना पड़ेगा, तभी तो वो 1 सेकेंड में ऊपर 1 सेकेंड में नीचे आएगा, तभी 1 और 3 सेकेंड पे हाइट सेम होगी, मतलब 2 सेकेंड पे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। तो नीचे गिरने का टाइम कितना आ जाएगा, नीचे गिरने का टाइम यहाँ पे 4 सेकेंड में पहुंचेगा, क्योंकि 2 सेकेंड ऊपर जाने का टाइम तो 2 सेकेंड नीचे आने का टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है 4 सेकेंड आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना होता था बच्चों, 2uy/g, उसकी वैल्यू 4 है, ये 2 कैंसल हुआ, uy की वैल्यू 2g, वर्टिकल स्पीड 2g आ गई। आपसे क्या पूछी है, मैक्सिमम हाइट, क्या मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला uy²/2g होता है बच्चों, है ना, uy मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जिसे u sin थीटा भी बोलते हो आप, तो uy का स्क्वायर 2g का स्क्वायर अपॉन 2g, तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 2g के बराबर, 2g मैक्सिमम हाइट मतलब 20 मीटर, 20 सेकंड का आंसर सेकंड आ जाएगा बच्चों, 20 सेकंड का आंसर सेकंड आ जाएगा। यहां तक ये जो क्वेश्चंस थे ये प्रोजेक्टाइल मोशन और 1D उसके क्वेश्चंस थे। अब मेरे को आगे सर्किट दिख रहा है, मतलब करंट एक्सीडी के क्वेश्चन चालू होने वाले हैं। बच्चों 23 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। तो 23 क्वेश्चंस जैसा मैंने बोला, अब ये सर्किट करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके क्वेश्चंस जो हैं वो दिख रहे हैं, और 23rd क्वेश्चन जो है इसमें आपसे बोला गया है पावर डेसिपिएटेड इन 9 ओम, 9 ओम में जो पावर है वो कितनी है बच्चों, 9 ओम रेजिस्टर की पावर जो कंज्यूम कर रहा है, रेजिस्टर पावर कंज्यूम करता है या पावर का लॉस करता है, लॉस क्या करता है, वो यूज हो जाता है, जैसे बल्ब में जो रेजिस्टर लगा हुआ है उसने पावर का यूज किया और उसको किस में बदला, लाइट एनर्जी में बदल दिया, है ना, तो पावर यूज करता है रेजिस्टर। इंडक्टर और कैपेसिटर
वो एनर्जी स्टोर करते हैं, है ना, इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करते हैं, रेजिस्टर वो एनर्जी का यूज़ करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट में आपने पढ़ा भी होगा कि पावर लॉस केवल प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में ही होगा, पावर लॉस प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटिव, है ना, शुद्ध प्रेरकीय शुद्ध धारितीय परिपथ में पावर लॉस नहीं होगा बच्चों, है ना। तो रेजिस्टर बेसिकली पावर लॉस करता है, लॉस मतलब उसको यूज़ करता है एनर्जी को। आइए 23 क्वेश्चन करते हैं अपन। 23 क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है बच्चों, ये इस तरीके से सर्किट बनाया हुआ है 9 ओम, ये बनाया हुआ है 6 ओम, इसी के आगे ये 2 ओम, ठीक है ना, 2 ओम ऊपर वाला नीचे बनाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बैटरी, ये 2 ओम नीचे बना हुआ था ऊपर वाला दिया। अब पावर दे रखी है आपको, पावर का कोई भी फॉर्मूला लगा दो बच्चों, है ना, पावर चलिए वी स्क्वायर बाय आर से करते हैं इसे, पावर वी स्क्वायर बाय आर है तो पावर 36 दे रखी है। अब याद रखना जिस रेजिस्टर की पावर लिखोगे उसी रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस और उसी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आएगा, तो पावर 36 है, ये वी स्क्वायर है, रेजिस्टेंस 9 है, वी स्क्वायर की वैल्यू 36 इंटू 9, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट निकालोगे 36 का रूट 6 और 9 का रूट 3, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 18 वोल्ट, मतलब 18 वोल्ट का ड्रॉप है इधर, पोटेंशियल डिफरेंस 18 है बच्चों, ये पैरेलल में है तो इसका ड्रॉप भी कितना हो जाएगा 18 वोल्ट का ही हो जाएगा बच्चों। करंट निकाल सकते हो यहाँ पे, इसमें से करंट V इक्वल्स टू आई आर, वी इसका कितना था 18, आई मालूम नहीं है, आर की वैल्यू 9 है, तो यहां से करंट आया 2 एम्पियर का, यहां से करंट कितने का आया 2 एम्पियर का बच्चों। इसके लिए भी अगर तुम लगाते V इक्वल टू आई आर तो V 18 था, I पता नहीं था, रेजिस्टेंस इसका भी कितना दिया हुआ है 6 ओम, I की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर के बराबर, तो इधर से 3 एम्पियर करंट आएगा, है ना, ये हाई पोटेंशियल है तो करंट ऐसे ही जा रहा होगा। अब ये 2 और 3 मिलकर इधर कितना करंट जाएगा बच्चों, 5 एम्पियर करंट जाएगा। तुम्हें इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ओम भैया को याद करो, ओम भैया ने V इक्वल टू आई आर बताया है तुम्हें, इसका V तुम्हें निकालना है, I 5 था, R 2 था, 10 वोल्ट। 23 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन। 23rd क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 23rd क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, 10 वोल्ट आंसर आ जाएगा। चलिए 23 के आगे 24th क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, इसको मैं हटा देता हूँ, नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके ताकि ये सूख भी जाए और वीडियो पॉज ना करना पड़े अपने को, तो ये मैं हटा देता हूँ। कैलकुलेशंस आनी चाहिए अपने को, कैलकुलेशंस आसान सी ही होती हैं और करंट एक्सिटी बहुत आसान सा बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, ज़रूर से वो आना चाहिए अपने को, है ना। तो 24th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज 30 वॉट। बच्चों ये एक सर्किट दिया हुआ है आर, ये दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ है, तो ये R था, ये 5 ओम था और ये बैटरी दी हुई है 10 वोल्ट की। बच्चों ये बताइए पावर होता V स्क्वायर अपॉन R, तो अगर टोटल पावर लिखोगे तो टोटल पोटेंशियल टोटल रेजिस्टेंस आएगा। यूनिफॉर्म फॉर्मूला लगाना हमेशा, किसी एक के लिए लगा रहे हो तो एक का फॉर्मूला, वरना टोटल पावर ही दे रखी थी आपको, टोटल पावर कितनी दे रखी है 30, टोटल V का स्क्वायर कितना होगा 100, रेजिस्टेंस R। बच्चों R की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 100 अपॉन 30, रेजिस्टेंस कितना होगा 100 अपॉन 30 मतलब 10/3। अब रेजिस्टेंस 10/3 होना चाहिए, क्या ये पैरेलल में है, क्या पैरेलल का रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता था जिसे 10/3 लिख दिया अपन ने, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बच्चों 5 से ये कैंसिल किया, ये 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3R = 2R + 10, R की वैल्यू 10 ओम आ रही है। सिंपल क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। 24th का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, 24th का आंसर की में भी थर्ड ऑप्शन है बच्चों, 24th का आंसर थर्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए 24th के आगे 25th क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 25th क्वेश्चन में टू हीटर कॉइल्स सेपरेटली टेक्स 10 मिनट एंड 5 मिनट टू बॉयल, तो टाइम ये लेते हैं 10 मिनट
एंड ये टाइम लेते हैं कितना, 5 मिनट बॉइलिंग के लिए। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है, बच्चों याद कर लेना, सीरीज में जब कनेक्टेड होते हैं तो इनको टाइम T1 प्लस T2 लगता है, यानी 10 प्लस 5 15 मिनट टाइम लगेगा। अगर पूछा हुआ नहीं है, अगर पूछा होता ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो टाइम लगता बच्चों T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। हीटिंग इफेक्ट में ये सब पढ़ाए हुए नोट्स में, नोट्स देख लेना आप, तो 25 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंडिविजुअल टाइम T1 T2 है तो सीरीज में टाइम ज़्यादा लगेगा T1 प्लस T2, और पैरेलल में टाइम कम लगेगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। चलिए 25 के बाद 26 क्वेश्चन पे आते हैं अपन। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि बोर्ड अपने को मिल जाए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ये पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं उससे पहले ये पेपर ज़रूर खुद से सॉल्व कर लेना बच्चों, है ना। और इस चैनल पर आपको मोशन इन 1D उसके 10 लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनको पढ़ लेंगे तो इसके मोशन इन 1D के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 26 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 26 क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, मीटर ब्रिज दिया हुआ है और डिफ्लेक्शन 0 है, तो इन मीटर ब्रिज शोन द लेंथ AB फॉर विच डिफ्लेक्शन इज 0। तो बच्चों मीटर ब्रिज में देखिए, ये ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बनाया हुआ है कितने का, 15 ओम का। बच्चों ये एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है कितने का, 10 ओम का। बच्चों ये डिस्टेंस A और B है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ा नहीं है मैंने, इसको मैं L मान लेता हूँ बच्चों। आंसर सारे सेंटीमीटर में, ये जो लेंथ है बच्चों ये 100 - L हो जाएगी। मीटर ब्रिज में वायर की लेंथ कितनी होती है, वायर की लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है, और मीटर ब्रिज बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज पर काम करता है। बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज का मतलब क्या होगा बच्चों, इनका रेशियो ना सेम कर दो आप, रेशियो सेम मतलब 15/L इक्वल्स टू 10/100 - L, 15/L, 100/L, 10/100 - L, इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 5 2 जा 5 3 जा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2L, ये 2L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 - 3L, 5L की वैल्यू 300, L की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, L की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन, 26th का आंसर आ जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो मीटर ब्रिज बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन हैं। 27th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछी हुई है, बढ़िया सवाल है, कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। 6 वोल्ट ये आपको दिया हुआ है, 40 ओम ये आपको दिया हुआ है, 60 ओम, और ये वोल्ट मीटर दिया हुआ है 40 ओम का, ये वोल्ट मीटर है ना। पर जो वोल्ट मीटर का मतलब, अगर इस पॉइंट को मैं एक्स बोलूं और इस पॉइंट को मैं वाई बोलूं, तो एक्स और वाई का पोटेंशियल डिफरेंस यही आंसर है अपना, एक्स और वाई के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, वही इस क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा। चलिए इसको साफ कर देता हूं मैं बोर्ड को, थोड़ी सी जगह मिल जाए अपने को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हो तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और इसको सॉल्व कर लेना। अपने को x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं अपन। अपन इस सर्किट में ना, ये 60 और 40 पैरेलल में कितना हो जाएगा ये बता दो मेरे को, 60 और 40 पैरेलल में, 60 × 40 / 60 + 40 इतना हो जाएगा, R1 R2 / R1 R2, 60 × 40 कितना हो जाता है, 2400 / 100, यानी कितना हो गया, 24 ओम हो गया, 24 ओम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्वेश्चन अब ऐसे बन गया कि ये तो 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 40 ओम है, और ये कितना आ गया है बच्चों, 24 ओम। ये वही पॉइंट है एक्स और वाई, और एक्स और वाई का ड्रॉप निकालना है बच्चों। क्या ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में हैं, बिल्कुल सीरीज में है, आए ना सीरीज में, जो करंट यहां से आएगा यहां पे जाएगा बच्चों, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, करंट सेम होता है। तो ओम भैया को याद करो, ओम भैया बोल के गए हैं वी इक्वल टू आई आर, आई सेम हो गया तो क्या वी प्रोपोर्शनल टू आर आ सकता है। इसको अगर तुम V1 बोलते, इसको अगर तुम V2 बोलते, तो V1 / V2 आता R1 / R2,
V1 by V2 कितना आ जाता, R1 by R2 यानी 40 by 24, 44 यानी 10 upon 6, 40 जा 40, 4 जा 24, और भी आ जाता ये 2 से 5 by 3, तो मैं V2 चाहिए, V2, तो V2 वाले को कितना पार्ट मिलेगा, 3 पार्ट मिलेगा, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 3 by 8 of 6 volt, रेशियो निकालना आता है अपने को, रेशियो जैसे 1:4 में किसी को डिवाइड करना है, तो 1 वाले को कितना पार्ट मिलेगा, 1 पार्ट मिलेगा, कितने में से, टोटल में से, टोटल कितना है 1 और 4 का 5, 4 वाले को कितना पार्ट मिलेगा, 4 पार्ट मिलेगा टोटल में से, टोटल कितना है 1 प्लस 4 5, ऐसे मेरे को V2 चाहिए था क्योंकि x और y का पोटेंशियल डिफरेंस V2 माना है मैंने, तो V2 को कितना पार्ट मिलेगा, 3 पार्ट मिलेगा, तो 3 तो ऊपर आ गया, 3 कितने में से मिलेगा, 5 और 3 ऐड करके 3 by 8, और ये टोटल ड्रॉप कितना दे रखा था 6 वोल्ट का, बस यही आंसर है, इसको आप 3 और ये 2, 3 जा 6, 2, 4 जा 8, तो 3 by 4, यानी कितना आ जाता है, 9 by 4, 9 by 4 आंसर है बच्चों, अब 9 by 4 कितना आ जाएगा, 4, 2 जा 8, तो 2.25, 27th का फर्स्ट आंसर आ जाएगा बच्चों, 27th का आंसर फर्स्ट आ जाएगा, 9 by 4, ठीक है ना, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था x और y का, वो निकाल लोगे उसी से आंसर आ जाएगा, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, इसको मैं हटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 28th क्वेश्चन की तरफ वो चलते हैं यहाँ पर, चलिए तो 28th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, 28th क्वेश्चन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों, 28th क्वेश्चन में रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, चलिए ये आप इस तरीके से फिगर बना लेते हैं, ये ए, ये बी और ये आर और आर, ठीक है, ये भी एक R और ये एक R दिया हुआ है, इधर भी ये R सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं आपको, और इनमें ये रेजिस्टेंस और भी दिए हुए हैं, तो ये आपको A और B के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ी होगी आपने, लाइन ऑफ सिमेट्री आप ऐसे मत बना देना, लाइन ऑफ सिमेट्री बच्चों, ए और बी के रेजिस्टेंस का मतलब होगा कि ए से करंट आ रहा है और बी से वही करंट बाहर जा रहा है, ए और बी के बीच का मतलब क्या होता है, ए से करंट आ रहा है बी से बाहर जा रहा है, या बी से करंट एंटर कर रहा है ए से लीव कर रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा करंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे मत बना देना, ये तो करंट के पैरेलल हो गई है, क्योंकि अगर आप ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो ये आर हटा दोगे आप तो गलत आंसर आ जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री अगर बनाते तो ऐसे बनाते हैं अपन, लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बनेगी, और लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से अगर बनेगी तो फिर आप इन जंक्शंस को तोड़ सकते थे, समझ रहे हो क्या, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री से इन जंक्शंस को तोड़ के सॉल्व कर सकते थे, बिना लाइन ऑफ सिमेट्री के भी इसका आंसर आ जाएगा, वैसे कैसे आएगा देखो, ये आर और आर, ये 2R हो जाएगा सीरीज में बच्चों, 2R और R ये पैरेलल में है, 2R और R पैरेलल में कितना होता है, बस ये कैलकुलेशन देख लो, 2R into R upon 2R plus R यानी 2R by 3, ठीक है, तो ये 2R और R ये कितना बन गया, 2R by 3 बन गया, तो अब ये सर्किट में वापस से बना लेता हूं बच्चों, ये तो रेजिस्टेंस R ही था बच्चों, ये कितना हो गया R और R कितना हो गया 2R, 2R और R पैरेलल में कितना हो गया 2R by 3, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में केवल एक रेजिस्टेंस 2R by 3, बच्चों यहां पे भी तो वही कहानी है, R और R कितना हो गया, ये R और R कितना हो गया 2R, 2R और R वापस से कितना हो गया 2R by 3, तो 2R by 3, बच्चों ये भी वही कहानी है, R और R 2R, 2R और R 2R by 3, ये भी वही है 2R by 3, तो 2R by 3, 2R by 3, ये A, ये B, समझ रहे हो आप, अब ये 2R by 3, 2R by 3, ये कितना बन जाएगा सीरीज में 4R by 3,
ये 2r/3 2r/3, ये भी कितना बन जाएगा 4r/3। अब ये तीनों पैरेलल में हो गई है चीजें, पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू आती 3/4r + 3/4r + 1/r। बच्चों 4 एलसीएम ले लेते तो इधर 4 और इधर 4 आ जाता, तो 4 और 6 10 आ जाता, 4r/10 यानी 2r/5। तो उसे मल्टीप्लाई करते थे, मतलब 2 से कैंसिल करते, तो 2r/5 आ जाता फोर्थ ऑप्शन। 28th का ऑप्शन नंबर 4th सही आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक कैच है, इसमें गलती करने के चांसेस हैं, आप लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बना के ये आर मत हटा देना, ठीक है। ये फिगर अगर ऐसे दिया होता ना, इसको घुमा दिया होता तो बच्चों की गलती नहीं होती, बट ये फिगर ऐसे दिया हुआ है तो गलती होने के चांसेस हैं इसमें। चलिए 28th के आगे 29th क्वेश्चन पे चलेंगे अपन, इसको हटा देता हूँ मैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना सॉल्यूशन कैसे कैसे सॉल्व करवाया हुआ है। तो ये हटा देते हैं अपन, इसमें 29th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। 29th क्वेश्चन में रेडियस इज इंक्रीज बाय 0.1% कीपिंग वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। बच्चों 29th क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन नंबर तो लिखा हुआ है, 29th क्वेश्चन में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। बच्चों जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है तो मैं डेरिवेशन बताऊंगा, रेजिस्टेंस रो एल बाय ए होता है, और इसको अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई एरिया से डिवाइड करोगे, बच्चों रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी, ए इंटू एल वॉल्यूम वो कॉन्स्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस ए स्क्वायर के इनवर्स रेशियो में रहेगा अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है तब। और एरिया को तुम रेडियस का स्क्वायर लिख सकते थे, इसलिए रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो जाता आर की पावर -4 के, ये रेडियस की पावर 4 ऊपर आके -4 हो जाती। अब रेडियस को तुमने इंक्रीज किया है तो यहां पे 1 × परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू -4 × परसेंटेज चेंज इन रेडियस, -4 × परसेंटेज चेंज बच्चों 0.1 है, -0.4 यानी कि रेजिस्टेंस 0.4% से डिक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस 0.4% से डिक्रीज कर जाएगा। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को समझ में आ रहा है, 29th का आंसर फोर्थ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 29 के आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 133 ओम है, और 500 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस निकालना है, अल्फा की वैल्यू 0.0045 पर डिग्री सेल्सियस दी हुई है। बच्चों टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। अब आप इसमें जो है ना ये याद करो, एक तो अल्फा की वैल्यू बच्चों याद कर लेना, कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होती है, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में आता भी है तो याद कर लेना। अभी एक इक्वेशन होती थी इस चैप्टर की, आर थीटा इक्वल्स टू आर नॉट 1 + α θ, किसी थीटा टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 0 °C पर रेजिस्टेंस 1 + α θ के बराबर। आओ सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की वैल्यू 133 लिखते हैं। रेजिस्टेंस 133 कब होगा बच्चों, आर नॉट 0 °C पर रेजिस्टेंस तो मालूम नहीं है, 1 + α की वैल्यू है अपने पास, चलो एक बार अल्फा को भी अल्फा रहने दो, इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू 150, समझ लो। तो रेजिस्टेंस की जगह 133 रख दिया, आर नॉट की जगह आर नॉट 1 + α 150। चलिए ये आर थीटा है, उसके बाद वापस से आर थीटा की वैल्यू, ये इक्वेशन एक बार लगाइए, ये इक्वेशन वापस से लगाते हैं 500 पर, तो आर की तो वैल्यू चाहिए आपको, आर नॉट की वैल्यू मालूम नहीं है, 1 + α × टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों, 500 आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। रेशियो ले लो इसका 133/r, 1 + α × 150, 1 + α × 500, ये अपने पास इसकी वैल्यूज आई हुई हैं। बताओ बच्चों अल्फा की वैल्यू 0.045 है, तो 133/r इक्वल्स टू 1 + 150 × 0.0045, तो 150 × 0.0045, और डिवीजन में 1 + ये कितना आ जाएगा यहाँ से 500 × 0.0045,
ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 133 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो 45 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेना आप, 55 जाएगा 25 आ जाएगा, और 54 जाएगा 22 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5 और 7 और 6, 675 और 0.675, ठीक है ना, 0.675 आ जाएगा, 15 को 45 से मल्टीप्लाई किया है और एक डेसिमल लगाया है, 500 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दो जीरो से ये डेसिमल हटा, 0.45 हो गया, तो 45 × 5 करना पड़ेगा आपको, 45 × 5 करोगे, 5 × 25 तो 225 आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा, 2.25 ये 2.25 आ जाएगा, और इसको अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आर की आपको वैल्यू दिख जाएगी, और वो वैल्यू आएगी 258 ओम के बराबर, 30 का आंसर फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना बाकी है, सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास, ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, उसका ये आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों 30 के आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 30 के आगे चलते हुए 31 पे आते हैं अपन, चलिए 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 दिख नहीं रहा है, गायब हो गया है 31 क्वेश्चन, हाँ सर्किट का सवाल दिया हुआ है, चलिए 31 क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन कर लेना इसकी, चलो ये अपन हटा देते हैं इसको, 29 क्वेश्चन को, 30 को भी हटा दो, इसको वीडियो पॉज करके आप ये देख लेना, तो कैलकुलेशंस इसकी कर लेना, उसी से आंसर इसका आ जाएगा अपने पास। इसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन, 31 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ करंट आई, करंट आई की वैल्यू पूछी हुई है, 4, 6, 2 और 3, ये आपको 4 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ये बीच में एक 4 ओम दिया हुआ है, ये 2 ओम और ये 3 ओम और ये आपको वी दिया हुआ है, तो फॉर द नेटवर्क करंट अपने को बताना है बच्चों, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इनका रेशियो 4:6 और 2:3, ये 4:6 और 2:3 ये सेम है, इसलिए ये 4 ओम हटा दो, ठीक है, तो वापस से सर्किट नहीं बना रहा हूं मैं, क्योंकि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है इसलिए इस 4 ओम को हटा सकते हो आप, इस 4 ओम को हटा दो, तो 4 ओम को हटाने पे आंसर आ गया आपके पास, ये 4 और 2 मिलके 6 ओम बनाएगा बच्चों सीरीज में, 6 और 3 कितना बनाएगा, 9 बनाएगा, 6 और 9 पैरेलल में 6 × 9 upon 6 + 9 54/15, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ओम भैया ने बोला है वी इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, आई की वैल्यू 15V/54 ये इसमें आई की वैल्यू आ जाएगी, 31 क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा इसका 4th, ठीक है, फोर्थ आंसर नहीं आ रहा, फोर्थ आंसर इसे 3 से कैंसिल कर देते, 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3, 3 × 8 तो 5V/18, 31 का आंसर क्या आ जाएगा, 31 का आंसर 4th आ जाएगा, कैंसिल कर लेना। 31 के आगे चलिए बच्चों 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन में सेल सप्लाई द करंट ऑफ 0.9 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस 2 ओम, तो एक बैटरी है बच्चों, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो, ईएमएफ मान लो, और बैटरी को हमने कनेक्ट किया है 2 ओम से, तो 2 ओम में ये करंट कितना फ्लो करा रही है, 0.9 एम्पियर का, ये पहला सर्किट दिया हुआ है, फिर इसी बैटरी को आपने कनेक्ट किया है एक और रेजिस्टर से, 7 ओम के रेजिस्टर से, और ये करंट कितना फ्लो करा रही है, 0.3 एम्पियर का, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है बच्चों, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसका फिगर बना लिया मैंने, बैटरी
से एक रजिस्टर को कनेक्ट किया गया, कुछ करंट आ गया, बैटरी से रजिस्टर को कनेक्ट किया गया, कुछ करंट आ गया। बच्चों ओम भैया को याद करो, ओम भैया समझते हो ना, ओम स्लो लगाना है, ओम स्लो बताओ। इस पहले वाले सर्किट में वी, वी की वैल्यू है ई, वी इक्वल्स टू आई और आर की वैल्यू आर प्लस टू, समझ लो वी इक्वल्स टू आई आर लगा दिया, वी की वैल्यू ये रही, वी की वैल्यू आई की वैल्यू 0.9 और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में। इस सेकेंड वाले सर्किट में भी वी, वी की वैल्यू ई, आई की वैल्यू 0.3, आर की वैल्यू 7 प्लस आर, वी इक्वल्स टू आई आर लगा दिया। बच्चों दोनों में ई की वैल्यू सेम है, तो पहली और दूसरी क्वेश्चन बताओ, पहली क्वेश्चन में ई की वैल्यू कितनी है 0.9 आर प्लस 1.8, 0.9 को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2.1 प्लस 0.3 आर, ये दोनों को बराबर कर दो। बच्चों 0.3 इधर लाओगे तो 0.6 आर की वैल्यू आ जाएगी 0.3 के बराबर, 2.1 माइनस 1.8 0.3, आर की वैल्यू 1/2 दिख रही है यहां पे, 0.3 बाय 0.6 1/2 यानी 0.5, आर की वैल्यू 0.5, 32 का सेकंड आंसर, 32 का आंसर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। आर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 0.3 बाय 0.6 1/2, 1/2 को 0.5 लिख देना तो 32 का आंसर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं अपन, और 32 के आगे ये भी हटा देता हूं मैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन इसका देखते हैं, नेक्स्ट 33 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों अपन। 33 क्वेश्चन में आपको जो फिगर दिया हुआ है, उस फिगर में ये दिया हुआ है एक R1 रजिस्टर, R1 के आगे एक R2 रजिस्टर है और R2 के पैरेलल में एक R3 रजिस्टर है, ठीक है। नीचे बनाए हुए से ऊपर बना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ये यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया गया है, वी की बैटरी लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है। अपने को बच्चों कुछ ऐसा बताना है रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसमें सब में पावर क्या रहे, सेम रहे, इक्वल एनर्जी है ना, इक्वल पावर रहे। तो पावर इक्वल कब हो सकती है, अब देखो ये बताओ मेरे को, ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा इसमें, लेकिन कुछ पॉइंट्स आप जरूर दे सकते हो। ये बताओ जो पोटेंशियल ड्रॉप इसका होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इसका होगा, जो विभवांतर और इसका, इसका विभवांतर सेम ही आएगा ना, तो पावर की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय आर। अब अगर केवल R2 और R3 की बात करूं तो क्वेश्चन के हिसाब से पावर सब में सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये पैरेलल हैं इसलिए इन दोनों का V भी सेम होगा। अगर ये दोनों चीज़ें सेम है तो क्या दोनों के रेजिस्टेंस को भी सेम होना चाहिए, तो R2 और R3 को तो सेम होना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि जो भी ड्रॉप इसमें आएगा वही ड्रॉप इसमें भी आएगा, तो वी स्क्वायर बाय R2, वी स्क्वायर बाय R3 उनको बराबर होना चाहिए, और वो तभी बराबर हो सकते हैं जब R2 R3 के बजाय बराबर हो जाए। R2 और R3 बराबर हो जाएंगे तो दो ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, है ना। R2 और R3 अगर बराबर हैं तो या तो सेकंड ऑप्शन होगा या तो थर्ड ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस अगर सेम हैं और ये रेजिस्टेंस भी किसी एक रेजिस्टेंस के बराबर है तो सबका वी अलग अलग हो जाएगा, तो पावर वैसे भी सेम नहीं आ सकती है। तो ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, R2 और R3 तो सेम है। इसके बाद मैं अगर थर्ड ऑप्शन चेक करूं, अब वो ऑप्शन तो सारे एक एक करके चेक करने चाहिए थे, पर थर्ड ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो R2 और R3 तो सेम है, R2 और R3 तो बराबर है, लेकिन R2 और R3 को मान लो R होता है, और थर्ड ऑप्शन में बोला हुआ है R2 की वैल्यू 4R1 के बराबर, R2 की वैल्यू 4R1 के बराबर, ठीक है। तो R2 वैल्यू 4R1 के बराबर अगर मानोगे आप, तो इसे सॉल्व करके देखो, शायद पावर सेम आ जाए। इसमें ऑप्शन नहीं आया, सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे अपन। बताओ इस सर्किट को वापस बना लेते हैं अपन, है ना, इसको वापस कैसे बनाते हैं अपन, R1 को तो R1 रहने दो, ठीक है। R2 को 4R1 बोला है तो R2 को 4R1 मान लो, और R2 R3 सेम है तो ये भी 4R1 मान लो, 4R1, और यहां पे ड्रॉप कितने का है, V1 का, या V का ड्रॉप है। अब देख लो सब में पावर सेम है कि नहीं है, ये बताओ बच्चों मेरे को, ये R1 तो R1 ही रहेगा, क्या ये दोनों पैरेलल में है, तो 4R1 पैरेलल में कितना बन जाएगा, 2R1 बन जाएगा, 2R1, और ये ड्रॉप इनको कितने का मिल रहा है, V का मिल रहा है। बच्चों क्या ये सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम होता है, तो क्या V इक्वल्स टू IR में I हटाओगे तो VR के प्रपोर्शनल आ जाएगा। अगर VR के प्रपोर्शनल आया तो ये मैं V1 बोलता, ये मैं V2 बोलता,
तो V1 बाय V2 की वैल्यू R1 बाय 2 R1 आनी चाहिए, समझ रहे हो? V1 बाय V2 की वैल्यू R1 बाय 2 R1 मतलब 1 बाय 2 आनी चाहिए। अब V1 1 बाय 2 हो गया तो V1 को कितना मिलेगा, ये V बाय 3 और ये कितना आ जाएगा 2V बाय 3। तो रेशियो लेना आपको बताया था, V1 वाले को 1 पार्ट मिलेगा और 1 और 2 का एडिशन 3 होता है, तो V1 वाले को V बाय 3 मिल गया, इसको 2V बाय 3 मिल गया, इसका ड्रॉप V बाय 3 है और इनका ड्रॉप 2V बाय 3 है। जरा पावर निकाल के देख लो, सेम है तो यही आंसर सही है, वरना दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। बताओ इसकी पावर कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर, इसकी पावर आ गई। बच्चों इसकी पावर कितनी आती, वी स्क्वायर में क्या आता है 2v बाय 3 का स्क्वायर, तो मैंने अलग अलग लिख दिया 2v बाय 3 का स्क्वायर अपॉन 4r1। बच्चों क्या 4 से 4 कैंसिल हो गया, पावर कितनी बच गई, v बाय 3 का होल स्क्वायर बाय r1, इसकी पावर भी तो वही थी, तो क्या इसकी पावर जो आई है वो इसकी पावर भी आएगी, तो सेम आने वाली है, तीनों की पावर सेम आ गई। कब आई तीनों की पावर सेम, जब आपने ऑप्शन 3 को सही माना है। इसलिए 33 क्वेश्चन का आंसर सही क्या आ जाएगा, 33 का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, 33 का सही ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, हाँ ये जरूर है कि आप R2 और R3 को सेम मान सकते थे। चलिए 33 के आगे चलते हैं अपन, और 33 के आगे क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, और 34 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अपने को M और N के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। बच्चों 34th क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये R दिया हुआ है, स्मॉल R है, वैसे तो कैपिटल R मान लिया मैंने, और ये इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, फिर ये इस तरीके से एक और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और ये एक और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये R R और R ये रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। तो कुछ ये तो बहुत ही आसान सा ही क्वेश्चन है, ये M और ये N ये पॉइंट है, ये बताओ बच्चों ये पॉइंट जो है ना इसमें इक्विपोटेंशियल वाले पॉइंट है, ये दोनों रेजिस्टेंस ना पैरेलल में है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, R और R कितना हो जाएगा R बाय 2 हो जाएगा, ये दोनों भी पैरेलल में, R और R कितना हो जाएगा R बाय 2, और ये दोनों भी पैरेलल में, R और R कितना हो जाएगा R बाय 2, तो ये ऐसे बन जाएगा, और क्या ये R बाय 2 बन गया, और ये R बाय 2 और ये R बाय 2 बन गया, ठीक है, ये M और N पॉइंट ही है। और बता दो ये R बाय 2 R बाय 2 कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, R और R बाय 2 पैरेलल में, R इंटू R बाय 2 और R प्लस R बाय 2, तो ये R बाय 3 इसका आंसर आ जाएगा, R बाय 3 मतलब 34th का बच्चों सेकेंड आंसर आ जाएगा, 34th का सेकेंड आंसर R बाय 3 आ जाएगा, ठीक है ना, पैरेलल में है ये। पैरेलल का पता कैसे लगाते हो, जैसे ये पॉइंट बच्चों N होता, ये N है, ये भी N ही होगा क्योंकि इसके बीच में और कोई पॉइंट तो है नहीं, ये पॉइंट भी N ही होगा क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, रेजिस्टर कैपेसिटर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हो वायर में, तो उस वायर को सेम पोटेंशियल पे मानना, ये भी N, ये पॉइंट भी N, ये पॉइंट भी N, और ये पॉइंट को अगर तुम X बोलते तो ये पॉइंट भी X हो जाता। बताओ ये वाला रेजिस्टेंस किस पॉइंट के बीच में है, X और N के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस भी किसके बीच में है, X और N के बीच में, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो पैरेलल में होते हैं रेजिस्टर्स, तो पैरेलल में थे रेजिस्टर्स इसलिए डायरेक्टली आंसर आ गया 34th क्वेश्चन का। चलिए 34th के बाद बच्चों 35 क्वेश्चन का आंसर अपने को चाहिए, 35 क्वेश्चन इसको हटा देता हूं मैं, और आपको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, 35 क्वेश्चन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 35 क्वेश्चन में बच्चों ये दिया हुआ है आर, ये दिया हुआ है 2R, और ये पॉइंट B दिया हुआ है, ये पॉइंट A दिया हुआ है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है अपने को, ये R, ये 2R, अगेन ये R और ये 2R, ये बच्चों कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसमें ना आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल लो इसका आंसर। देखो बच्चों ये बताओ, इन्फाइनाइट में से दो चार रजिस्टर हट भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे समुद्र है, समुद्र में थोड़ा बहुत तुम लोटा भर पानी निकाल भी लोगे ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं ये दो रजिस्टर्स को यहाँ पे हटा भी दूँ,
तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी की तरह ही एक्ट करेगा। तो यहां पे हम एक कट लगा देते हैं, इसको अगर मैं छुपा भी देता ना तब भी आपको लगता हाँ ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है। मान लेते हैं ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, बच्चों ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस एक्स मान लेते हैं। तो आप ये बताओ कि इससे पहले वाला सर्किट, ये तो ऐसा ही बना लिया मैंने, ये आर है, ये 2R है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, और इसके आगे भी तो A और B ही पॉइंट है ये, और A और B का रेजिस्टेंस तुमने X माना है, तो फिर यहां पे A और B के आगे आप क्या जोड़ दीजिए, X जोड़ दीजिए। अब या तो आप टोटल इक्विवेलेंट निकाल के उसे X के बराबर कर देना, है ना, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना आएगा 2R into X upon 2R plus X, उसमें प्लस R जोड़ देना और वो टोटल रेजिस्टेंस एक्स के बराबर करके तुम एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। बट एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है आपको, आप ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहते हो ना, तो आप इसका शॉर्ट ट्रिक देख लो, एक बार इसको ओपन सर्किट मान लो बच्चों, ओपन सर्किट मतलब एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो, बोलो एक्स की वैल्यू जीरो डालने पर यह सर्किट कैसा बनता, यह सर्किट बच्चों ऐसा बनता, ये आर, ये 2R, और ये टूट गया वायर एक्स वाला। बताओ बच्चों ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता, अगर एक्स को जीरो मान लेते आप तो करंट इस रेजिस्टेंस से जाता, इस रेजिस्टेंस से जाता, ये 2R से जाके इधर निकल जाता, तो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में मैक्सिमम कितना हो सकता है 3R, ठीक है। और एक बार मैं इस एक्स को शॉर्ट सर्किट कर देता हूं बच्चों, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब एक्स को आप कितना मान लो, जीरो मान लो। अच्छा ओपन सर्किट मतलब एक्स को इनफाइनाइट, ओपन सर्किट मतलब तार को तोड़ दो, है ना, यहां पे इनफाइनाइट लिखना पड़ेगा। तो जब ओपन सर्किट होएगा तो ओपन सर्किट का मतलब क्या होगा कि तार टूटा हुआ है, तार टूटा हुआ है मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बाद में हम सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या हो जाएगा कि हमने x की वैल्यू जीरो डाल दी है, जब तुमने x को बड़े से बड़ा रखा है तो आंसर भी बड़े से बड़ा आ चुका है, छोटे से छोटा आंसर इस सर्किट का कितना आता जब x को जीरो रख देते हैं अपन। x को जीरो रखने का मतलब, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये कुछ ऐसा बन जाता आर, 2R, और ये इस तरीके से ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी आ जाता। तो बच्चों ये बताओ करंट ए से इधर आता, इधर आता, इधर से चला जाता, इस 2R से करंट जाता ही शॉर्ट सर्किट के केस में, तो क्या ए और बी का मिनिमम रेजिस्टेंस आपको R दिख रहा है? तो ये बताओ मेरे को बच्चों, ए और बी का मिनिमम रेजिस्टेंस R, मैक्सिमम 3R, R और 3R के बीच का ही आंसर आना चाहिए, इसलिए 35 का थर्ड आंसर आएगा बच्चों, समझ रहे हो क्या? आर और 3R के बीच में ना तो x की वैल्यू जीरो हो सकती है ना तो इनफाइनाइट हो सकती है, इसीलिए r और 3R के बीच में ऑप्शन दिखेगा आपको 2R, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इनफाइनाइट सर्किट तुम एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते थे, बट शॉर्ट ट्रिक लगा दो, आप ये जो दो रेजिस्टर्स हैं इनको हटा के भी ये पॉइंट ए और बी ही दिखते हैं। तो मान लिया मैंने ए और बी का रेजिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो यहां पे क्योंकि ये पॉइंट ए और बी है तो इसके बीच में एक्स लगा दिया, ये सारा सर्किट क्या था वही ए और बी का रेजिस्टेंस एक्स मान लिया। इस एक्स को एक बार जीरो डाल दो, जीरो डालोगे तो तुम्हें रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, तुम एक्स की वैल्यू बड़े से बड़ी डालोगे तो आपको ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। करंट शॉर्ट सर्किट के केस में रेजिस्टर में से जाता नहीं है वो भी पता होना चाहिए, तो मिनिमम रेजिस्टेंस इसका आर आया, मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसका 3R आया, आर और 3R के बीच में आंसर होना चाहिए था, इसलिए आंसर 2R आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आ जाएगा। चलिए 35 क्वेश्चन हो गया है, 35 क्वेश्चन हो गया है, तो इसको हटा देते हैं, वीडियो पॉज करके, बढ़िया कंसेप्ट है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं नीट में इनफाइनाइट सीरीज पे। तो ये आप 35 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हटा देते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, करंट इन 12 ओम रेजिस्टर, 12 ओम रेजिस्टर में करंट पूछा हुआ है बच्चों, ये सर्किट दिया हुआ है आपको। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करने का ना कोई एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं,
किसी भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। 5 वोल्ट की ये दो बैटरीज हैं, ये 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम और ये 12 ओम। इस 12 ओम में करंट मेरे को तो जीरो दिख रहा है। बच्चों पोटेंशियल रिलेटिव क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस एब्सोल्यूट होता है, तो 11th के वर्क पावर एनर्जी से सिखा रहे हैं आपको। इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लो आप, बच्चों ये 0 वोल्ट मानते ना तो ये 5 वोल्ट हो जाता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी 5 का बनाएगी, ये हाई पोटेंशियल, ये 5 है तो बच्चों ये भी 5 वोल्ट हो जाएगा, ये 0 है तो बच्चों ये भी 5 वोल्ट हो जाएगा, ये 5 वोल्ट है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 5 वोल्ट। इसमें ओम भैया को याद करो, ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर, वी बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर का 5 माइनस 5 है, 0 है, और जब करंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है करंट भी कितना आना पड़ेगा बच्चों 0 आना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 36 का फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, 36 का सही आंसर फोर्थ आ जाएगा, 0 करंट फ्लो होगा इससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं बच्चों, रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज 0, आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 दे रखी है, ये ई और आर वन बनाया हुआ नहीं है, मैंने बना लिया, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 है, ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 है, और ये ई और ये आर टू दिया हुआ है, ई और ये आर टू दिया हुआ है, और ये कैपिटल आर, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसकी रीडिंग 0 दे रखी है आपको। अब इसकी रीडिंग 0 का मतलब क्या होगा, इसकी वोल्ट मीटर मतलब ये एक्स है और ये वाई है, बच्चों इस एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 माना गया है। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस 0 कैसे आएगा, बच्चों एक्स और वाई का पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी के बराबर होएगा, एक्स और वाई का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, ये दोनों टर्मिनल से बैटरी के, बच्चों बैटरी यहां पे सोर्स की तरह काम कर रही होगी, क्योंकि ये दोनों बैटरीज क्या है सीरीज में जुड़ी हुई है, ये भी बैटरी इधर ही करंट फ्लो कराएगी, ये भी इधर ही करंट फ्लो कराएगी, तो ये बैटरी सोर्स की तरह काम करेगी, जब बैटरी सोर्स की तरह काम करेगी तो इसका टीपीडी होना चाहिए था ई माइनस आई आर वन, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है 0, मतलब आई की वैल्यू ई अपॉन आर वन, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई आर वन इधर जाएगा, तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू वो आप ई बाय आर वन बोल सकते हो, ठीक है। अब कंप्लीट सर्किट के लिए वी इक्वल्स टू आई आर लगा, तो देखो अपने पास रिलेशन निकालना है, कुछ पूछा तो है नहीं, तो ओम्स का लॉ ही है, ये वी टोटल आई टोटल आर टोटल, वी टोटल कितना है 2E, वी टोटल कितना आएगा ई प्लस ई, दोनों सीरीज में है, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 2E आ जाएगा, टोटल करंट निकाला है हमने ई बाय आर वन, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों आर प्लस आर वन प्लस आर टू, वी को स्क्वायर लगाना बच्चों, ये ई से ई कैंसिल हो गया, ये आर वन इधर आ गया, तो 2R1 इक्वल्स टू आर प्लस आर वन प्लस आर टू, समझ लो ये आर वन को इधर ले आए बच्चों, ये आर वन को इधर ले जाओगे तो आर की वैल्यू मेरे को दिख रही है आर वन माइनस आर टू, बस ये इसका आंसर आ जाएगा, यही रिलेशन आ जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू आर वन माइनस आर टू, थर्ड ऑप्शन 37th का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, ठीक है 37th का ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। तो ये आप नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके इसको मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 36 ये हटा देते हैं अपन और इसके आगे चलते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट 38th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 38th क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का है बच्चों, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज एल, तो बच्चों लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर की एल दे रखी है, और ई एक ईएमएफ की बैटरी है ना, उसकी बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है एल बाय थ्री। अब इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो प्राइमरी में केवल एक बैटरी मान लो आप ई नॉट की, अगर कुछ और लगा होता तो देता, कुछ नहीं दिया हुआ है तो मान लो कि प्राइमरी की बैटरी कितनी है ई नॉट है, और सेकेंडरी में तुमने एक ई की बैटरी लगाई है जिसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई है एल बाय थ्री, ये पहला सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। प्राइमरी की ये ई नॉट थी, ये लेंथ एल थी, ये बताओ मेरे को एक्स निकाल लो यहाँ पे,
एक्स क्या होता है? वायर का पोटेंशियल डिफरेंस और वायर की लेंथ। वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, अब प्राइमरी में केवल ई नॉट लगा हुआ है तो वायर का पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट ही हो जाएगा और लेंथ एल ही है, और सेकेंडरी का पोटेंशियल डिफरेंस एक्स इंटू बैलेंसिंग लेंथ के बराबर होता है, संतुलित लंबाई के बराबर। सेकेंडरी में ई बैटरी लगाई है, एक्स की वैल्यू है ई नॉट बाय एल और बैलेंसिंग लेंथ बच्चों कितनी दी हुई थी? एल बाय थ्री। ये तो पहली लाइन पढ़ के जो भी फॉर्मूला बना वो बना लिया अपन ने। फिर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लेंथ एल बाय टू बढ़ा दो। अब प्राइमरी की बैटरी के साथ तो कोई छेड़छाड़ की नहीं गई है, प्राइमरी की बैटरी तो ई नॉट ही थी, लेकिन इस बार ये लेंथ कितनी करनी पड़ेगी तुम्हें? 3L by 2। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ L by 2 बढ़ा दी, तो L plus L by 2, 3L by 2। X पहले निकाल लो, X की वैल्यू हो जाएगी E not upon 3L upon 2, upon वाला 2 ऊपर आ गया। X क्या होता है? वायर का पोटेंशियल डिफरेंस वो बैटरी के बराबर अपॉन जो भी इसकी लेंथ है, ठीक है। अब वही उसी बैटरी को वापस से बैलेंस किया गया है और अब बैलेंसिंग लेंथ पूछ रहे हैं तुमसे, इस बैलेंसिंग लेंथ कुछ L not मान लो, इस L not की वैल्यू पूछ रहे हैं। फॉर्मूला होता था सेकेंडरी का पोटेंशियल डिफरेंस x इनटू बैलेंसिंग लेंथ, तो इसे सॉल्व कर लो बच्चों। सेकेंडरी का ईएमएफ तो e ही है, नए x की वैल्यू कितनी है? 2 e not upon 3l into l not, बस ये आ जाएगा आंसर। बच्चों ये बताओ, इस l से l कैंसिल करके e not की वैल्यू 3e के बराबर लिख सकते हैं क्या? तो e not की जगह आप 3e लिख सकते हो, E नॉट की जगह 3E लिख दो, आंसर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं और इसके आगे इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, वो दिख ही रहा है आंसर वैसे तो। बताओ इसको सॉल्व आप करते यहां पे क्या लिखते? E इक्वल्स टू 2 अपॉन 3L, E नॉट की जगह क्या लिखते? 3E इंटू एल नॉट। बच्चों 3 से 3 कैंसिल होता, ये E से E कैंसिल होता, L नॉट की वैल्यू L बाय 2 आ जाती है, ये L इधर जाता, 2 नीचे आ जाता, L बाय 2। 38th क्वेश्चन में L बाय 2 मतलब सेकेंड आंसर आ जाएगा। समझ लो क्या क्वेश्चन करना क्या? पोटेंशियोमीटर में हमेशा X निकाल लिया करो। X क्या होता है? वायर का पोटेंशियल डिफरेंस और वायर की लेंथ। और एक इक्वेशन सेकेंडरी का पोटेंशियल डिफरेंस वो X इंटू बैलेंसिंग लेंथ के बराबर होता है, बस ये दो फॉर्मूले लगा दो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे पोटेंशियोमीटर के, ठीक है। चलो 38 के आगे 39 क्वेश्चन पे आते हैं। 39 क्वेश्चन में ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये एमीटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट मीटर है। रीडिंग ऑफ एमीटर, बच्चों एमीटर की रीडिंग मतलब एमीटर से 5 एम्पियर करंट जा रहा है और वोल्ट मीटर की रीडिंग 50 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू बतानी है अपने को, ठीक है। तो ये बताओ मेरे को आप, ये 5 एम्पियर करंट इधर जा रहा है और ग्रेटर देन 10 लेस देन 10, चलो ये बताओ ये 5 एम्पियर करंट आया तो अपने को इस जो दिया हुआ है फिगर इसमें वोल्ट मीटर को अगर आप आइडियल मानोगे, आइडियल, तो आइडियल वोल्ट मीटर में क्या होता है कि 5 एम्पियर करंट आता तो कोई भी करंट इसमें नहीं जाता। इफ वोल्ट मीटर को आप क्या मानते? आइडियल मानते, तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अगर ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मानोगे तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मानते हुए इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, 5 एम्पियर का 5 एम्पियर सारा इसी में से चला जाएगा। और अगर 5 एम्पियर इसमें गया तो V इक्वल्स टू आई आर लगाते तो ड्रॉप इसका वही 50 है, करंट इसमें 5 जा रहा है, रेजिस्टेंस आता 10 ओम। रेजिस्टेंस 10 ओम कब आता बच्चों? जब वोल्ट मीटर को तुम क्या मानते? आइडियल। लेकिन अगर वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है तो क्या होता? 5 में से थोड़ा करंट तो इसमें चला जाता, 5 में से आई इधर गया, इसमें कितना जाता बच्चों? 5 माइनस आई। अब बताओ, अब अगर तुम इस रेजिस्टर में लगाते V इक्वल टू आई आर तो V तो वही 50 का ही रहता, V तो रहता 50 का, I की वैल्यू रेजिस्टेंस में से जाने वाला करंट 5 माइनस आई इंटू रेजिस्टेंस R, बताओ R की वैल्यू कितनी आती? 50 अपॉन 5 माइनस आई। अब 50 को 5 से छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो रेजिस्टेंस बच्चों 10 ओम से ज्यादा आ जाएगा। 39th क्वेश्चन में
10 ओम से ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगा, वही आंसर है सेकंड आंसर, ये इसका दिया हुआ है। कुछ नहीं बोला गया है, नॉन आइडियल वोल्ट मीटर है ये, नॉन आइडियल। अगर आइडियल होते तो आंसर आ जाता इसका 10 ओम के बराबर। तो 39th क्वेश्चन में एमीटर वोल्ट मीटर वो नॉन आइडियल मानने, आइडियल होते तो ये पूछता ही नहीं, तब तो 10 आ ही जाता है ना, तो नॉन आइडियल ही है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। बच्चों अच्छा सवाल है, दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, बाकी आपका क्वेश्चन तो नॉन आइडियल मानते हुए हो जाएगा। 39 में के बाद 40th क्वेश्चन, बच्चों 40 नंबर के क्वेश्चन में आपको वापस से क्या निकालना है, 40 नंबर के क्वेश्चन में अपने को निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये निकालते हैं बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 40 नंबर के क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस आर, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये रेजिस्टेंस आर, फिर ये रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, ये रेजिस्टेंस आर और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। बच्चों वायर के बीच में जब तक कोई कंपोनेंट ना आए तब तक वो सेम पोटेंशियल रहेगा, ये ए पॉइंट है, ये भी ए मानना, ये भी ए मानना, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट भी बी मानना, ये पॉइंट भी बी ही मानेंगे अपन। बताओ इस पॉइंट को अगर मैं एक्स बोल दूं, इस पॉइंट को मैं वाई बोल दूं, तो अब इसमें आप रेजिस्टेंस देख लो, सीरीज या पैरेलल के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। ये बताओ मेरे को आप कि ये मैंने एक पॉइंट बनाया ए, ये एक पॉइंट बनाया बी, और एक पॉइंट एक्स और ये एक पॉइंट वाई, बताओ ये वाला रेजिस्टेंस ए और एक्स के बीच में है तो ए और एक्स के बीच में आर, ये वाला रेजिस्टेंस बी किसके बीच में है, ए और एक्स के बीच में है तो एक और ए और एक्स के बीच में आर, है ना, जो ड्रॉ करते जा रहा हूं सर्कल बना दे रहा हूं। ये रेजिस्टेंस एक्स और बी के बीच में है आर, एक्स और बी के बीच में आर, ये रेजिस्टेंस बी और वाई के बीच में, बी और वाई के बीच में रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस भी बी और वाई के बीच में आर, बी और वाई के बीच में आर, ये रेजिस्टेंस ए और वाई के बीच में, ए और वाई के बीच में, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया आर, ठीक है। तो बताओ बच्चों ये R और R कितना हो जाएगा, R बाई टू, R बाई टू और R सीरीज में 3R बाई टू हो गया, तो ऊपर भी 3R बाई टू आ जाएगा, नीचे भी वही आएगा, ये R और R कितना हो जाएगा, R बाई टू। तो A और B में ऊपर भी दिखेगा 3R बाई टू, 3R बाई टू कैसे आया, R बाई टू प्लस R सीरीज में 3R बाई टू, नीचे भी 3R बाई टू। बच्चों 3R बाई टू, 3R बाई टू पैरेलल में कितना हो जाएगा, 3R by 4 हो जाएगा। R की वैल्यू क्वेश्चन ने 10 दे रखी है, R की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 30/4 ये इसका आंसर आ जाएगा। R की वैल्यू 10 डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 30/4 या 15/2, 40 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा बच्चों, 40 नंबर का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। तो नेक्स्ट 41 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसको हटा देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये हटा देते हैं अपन। तो सॉल्व कर लेना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, और इक्विपोटेंशियल मेथड, लाइन ऑफ सिमेट्री, व्हीटस्टोन ब्रिज, उन सब तरीकों से आप ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले। चलिए तो इसमें 41 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन। 41 नंबर के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो लिखा क्या हुआ है कि मासेस ऑफ 3 कॉपर वायर आर इन रेशियो, मास का रेशियो दिया हुआ है 135, ठीक है, और लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 531, इनके रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए, तो मास और लेंथ दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 41 ये अपन देख लेते हैं। बताओ बच्चों 41 नंबर के क्वेश्चन में एक तो आपको मास दिया हुआ है, मास का रेशियो कितना दिया हुआ है 1, 3 और 5, और लेंथ का रेशियो कितना दिया हुआ है, लेंथ का रेशियो 5, 3, 1। बच्चों रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए,
बच्चों रो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, अब मटेरियल तो सबका कॉपर है, इसलिए रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगा लेंथ अपॉन एरिया, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, एल बाय ए के, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एल बाय ए के प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि कॉपर वायर है तो रो तो सेम होगा, तो लेंथ, लेंथ तो है आपके पास, एरिया नहीं है आपके पास। सोचो एरिया चाहिए और मास दिया हुआ है, कोई फॉर्मूला जिसमें एरिया भी आए मास भी आए, बच्चों डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख दिया है। बच्चों आप एरिया की जगह एम बाय एल लिख सकते हो, एरिया ऊपर गया, एरिया की जगह एम बाय एल लिख सकते हो। डेंसिटी कॉन्स्टेंट है बच्चों क्योंकि कॉपर वायर है, कॉपर वायर में डेंसिटी तो क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, तो एरिया की जगह एम बाय एल लिख दो, यहाँ पे एल तो था ही, एरिया की जगह एम अपॉन एल लिखोगे रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों एल स्क्वायर बाय एम के प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस आ जाएगा एल स्क्वायर बाय एम के प्रोपोर्शनल। लेंथ का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। नीचे मास मतलब 1, 3 और 5, बस यही आंसर है। ये कितना है 25:3:1/5, या 5 से मल्टीप्लाई कर देना 125, 15 और 1 का बच्चों फोर्थ आंसर आ जाएगा, 41 का आंसर फोर्थ आ जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चलिए वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, इसको मैं हटा देता हूं ताकि बोर्ड सूख भी जाएगा। फिर 41 क्वेश्चन जो है, 41 क्वेश्चन के आगे अपन 42 क्वेश्चन वो देख लेते हैं बच्चों। 42 क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 3 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन, बच्चों 3 बल्ब्स हैं जिनको लगाया गया है। बल्ब मतलब रेजिस्टर मान लो, बल्ब मतलब रेजिस्टर ही होता है, आइडेंटिकल है मतलब इनके रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो बल्ब का कुछ मतलब नहीं है, बल्ब मतलब रेजिस्टेंस मान लिया करो। इनके नाम दिए हुए हैं ए बी और सी, वैसे तो ए उसके अंदर लिखा हुआ है बट बी और सी नाम दिए हुए हैं। चलो ये बी बोला हुआ है, ये सी बोला हुआ है, सबका रेजिस्टेंस सेम है, ये ई भी दिया हुआ है। When switch S is closed, बच्चों S को close करते हैं ना, तो power consumed by bulb B is P, बच्चों इसको close करने के बाद, अब इसको close करोगे तो ये बताओ कि ये तो E रहा और ये R है, बच्चों ये R और R ये parallel में है क्या, तो R और R को parallel में R by 2 बना लेते हैं। बच्चों ये बताओ क्या ये दोनों resistance series में है, सीरीज में करंट सेम हो जाएगा, अगर करंट सेम हो जाएगा तो वी आर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यानी इसको तुम अगर वी वन बोलो, इसको अगर तुम वी टू बोलो, तो वी वन बाय वी टू की वैल्यू आर अपॉन आर बाय टू, यानी टू अपॉन वन आती, टू अपॉन वन आने का मतलब वी टू को कितना मिलता बच्चों, वी टू की वैल्यू, वी टू को वन मिलता, यानी 1/3 ऑफ टोटल ड्रॉप, ये टोटल ड्रॉप को ई मानो वी मानो, तो इसका ड्रॉप कितना आ जाता, वी बाय 3 और आर बाय 2, मतलब इन दोनों का ड्रॉप आ जाता वी बाय 3, तो इसका ड्रॉप भी शुरुआत में कितना है वी बाय 3, इसका ड्रॉप भी कितना है वी बाय 3, जब की क्या है क्लोज है, तो बताओ पावर बी में कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अभी बस ये पढ़ा कि बी जो बल्ब है उसकी पावर पी है, तो पावर पी का ये फॉर्मूला निकाल लिया मैंने। व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड बाय सेम बल्ब व्हेन स्विच एस इज ओपन, अब स्विच एस को ओपन कर दोगे आप, तो स्विच एस को ओपन करोगे तो ये बताओ इस रजिस्टर में से तो करंट जाएगा नहीं जाएगा, तो फिर क्या ये इस तरीके का सर्किट बन जाएगा, ये बताओ मेरे को, इस तरीके के सर्किट में इसको भी ड्रॉप V बाय 2 मिलेगा, इसको भी ड्रॉप V बाय 2 मिलेगा, तो ये करंट सेम है, सीरीज में करंट भी सेम है और इन दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, तो V इक्वल्स टू IR से V भी सेम होना चाहिए, तो इसको V माना हुआ है तो आधा आधा V, V बाय 2 आ जाएगा। तो अब इस बल्ब ने पावर कितनी कंज्यूम की होगी बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन आर, बस ये आंसर है। अब तुम यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल लो, जैसे है ना, यहाँ से ये बताओ मेरे को V स्क्वायर बाय 9 की वैल्यू
पी इंटू आर है, वी स्क्वायर बाय नाइन की वैल्यू पी इंटू आर, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9πr के बराबर, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ रही है वी स्क्वायर बाय 4r आ रही है, वी स्क्वायर की जगह 9πr अपॉन 4r यानी कि 9π/4, बस 9π/4 मतलब 42 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा, 42 का आंसर क्या आ जाएगा, 42 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, तो 42 का आंसर फर्स्ट आ जाएगा, कैलकुलेशंस कर लोगे तो इसके आंसर आसानी से आ जाएंगे, इसको हटा देता हूँ बच्चों में, है ना, नोट डाउन कर लेना इसको, बढ़िया सवाल है। चलिए 42 क्वेश्चन, इसकी कैलकुलेशन हमने कर ली और v इक्वल्स टू आई आर लगा के, पावर के फॉर्मूले लगा के सब क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। 43 क्वेश्चन तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड दिख रहा है मेरे को। 43 क्वेश्चन में आपको दो पैरेलल बैटरीज दी गई हैं, दो पैरेलल बैटरीज, पैरेलल बैटरीज का ईएमएफ तो लिखना आता ही था, पैरेलल बैटरीज का ईएमएफ देखिए ये ऐसे दिया गया है, एक बैटरी ये 18 वोल्ट और 2 ओम और ये 12 वोल्ट और 1 ओम और ये वोल्ट मीटर दिया गया है बच्चों। यहाँ पे पैरेलल में आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला होता था E1 R2 और प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये सेम पोलैरिटी है, प्लस प्लस से जुड़ा हुआ है तो बीच में प्लस आ रहा है वरना यहाँ माइनस आ जाता है। ई वन आर टू मतलब इस 18 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो 18 आ जाएगा, 12 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो 12 × 2 = 24 आ जाएगा, R1 प्लस R2 बच्चों 3 हो जाएगा, 8 × 4 = 12 है ना, तो 42 अपॉन 3 आ गया और इस क्वेश्चन का आंसर 14 वोल्ट आ जाएगा, 43 का फोर्थ आंसर आ जाएगा, तो 43 का आंसर फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। 43 के बाद 44 क्वेश्चन क्या कहता है, टू सेल E1 E2 जॉइंड इन सीरीज एंड द बैलेंसिंग लेंथ इज 625, तो सीरीज में सेकेंडरी का पोटेंशियल डिफरेंस x इंटू बैलेंसिंग लेंथ होता है बच्चों, सीरीज में E1 प्लस E2 की वैल्यू x इंटू 625 दी हुई है, पोटेंशियोमीटर का डायरेक्टली क्वेश्चन है। इफ टर्मिनल्स ऑफ E1 आर रिवर्स, बच्चों E1 का टर्मिनल रिवर्स कर दिया आपने तो अब E2 माइनस E1 आने लग जाएगा, जब टर्मिनल रिवर्स कर दोगे तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में लिखना पड़ेगा आपको, उसकी वैल्यू x इंटू 125 दी हुई है, तो E1 E2 का रेशियो चाहिए बच्चों, इसका रेशियो निकाल लो, E1 प्लस E2 अपॉन E2 माइनस E1, 625 अपॉन 125, ठीक है, तो 125 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, E1 प्लस E2 की वैल्यू 5 E2 माइनस 5 E1, ये 5 मल्टीप्लाई कर दिया, 5 E1 इधर आया, 6 E1 इक्वल्स टू 4 E2, E1 अपॉन E2 की वैल्यू, E1 अपॉन E2 की वैल्यू 4/6 या 2/3, 2/3 यानी 44 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन सही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और जब बैटरीज सेम पोलैरिटी में जुड़ी हुई हैं तो E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहेंगे, इसलिए प्लस कर दिया है। जब बच्चों इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट करोगे तो E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में, E2 बोलेगा इधर करंट जाएगा, E1 बोलेगा इधर करंट जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे, क्वेश्चन ने E2 को बड़ा बोल रखा था इसलिए E2 माइनस E1 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये 44th क्वेश्चन भी हो जाएगा। 44th के बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन आता है 45th क्वेश्चन, वो हम और इसमें देख लेते हैं। 45th क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है कि 1 और 2, एक फिगर शोज 2 क्रॉस सेक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वायर, है ना, क्रॉस सेक्शन दिए हुए हैं। अब 45 क्वेश्चन में आप मेरे को ये बताओ, जो 45 क्वेश्चन में ये 2 और ये 1 दिया हुआ है तो एरिया 1 का ज्यादा है एरिया 2 से, देखिए एरिया 1 का ज्यादा है एरिया 2 से, और अपने को 2 की क्या बोल रखा है, क्रॉस सेक्शन रेडियस ऑफ सेक्शन 1 इज डबल ऑफ सेक्शन 2, अगर यहां की रेडियस r मानते हो तो यहां की रेडियस कितनी बननी पड़ेगी 2r, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन सेक्शन 1, यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है, आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी हुई है,
बच्चों आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, एन सेम है, ई सेम है, करंट सेम है ना, सेम करंट फ्लो कर रहा है, एन मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ई सेम है, तो वी डी बच्चों ए के इनवर्स रेशियो में आएगा, एरिया में आर स्क्वायर आएगा। क्या आपने यहां पे रेडियस हाफ कर दिया है, ए का रेडियस 2r था, यहां पे रेडियस हाफ हो गया है, तो रेडियस अगर आप हाफ करेंगे बच्चों तो हाफ का स्क्वायर यानी 4 ऊपर आ जाएगा, तो vd बच्चों 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स मतलब 4vd हो जाएगा, 4vd मतलब थर्ड ऑप्शन, 45th का आंसर आ जाएगा बच्चों थर्ड। तो यूनिट 2 जिसमें काइनेमेटिक्स और करंट एक्सिटी होती है उसका कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है मैंने, टेस्ट कंटिन्यू रहेंगे और हम फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी टेस्ट सीरीज जल्दी चालू करने वाले हैं, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बता दीजिए, मोटिवेशन मिलेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस को देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर बनेंगे। तो प्लीज़ जो भी नीडी लोग हैं, जो भी ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके जिनके पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का, उनको ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में, और लगे रहिए बच्चों, इस बार कुछ अपने लिए कीजिए, डॉक्टर बनिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।